वृक्षों या उससे संबंधित अव्यव से संबंधित संस्कृत नाम देख रहे हैं तो आम का पेड़ या सबसे पहले आपको मैं वृक्ष का वृक्ष का संस्कृत बता देता हूँ तो यहाँ लिख देता हूँ जो वृक्ष होता है ये खुद ही संस्कृत का वर्ड है एक तो लेकिन इसके लिए आप पादापा का प्रयोग कर सकते हैं या विट पिन वीट पिन अभी कोई पेन इन इंग्लिश का नहीं है ये संस्कृत का ही शब्द है या साखीना इनमें से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं नेक्स्ट है आम तो आम को संस्कृत में कहा जाता है आम्रम आम आम्र। नेक्स्ट जो है वो है रसाला इन दोनों में से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं आम या रसाला जामुन जामुन को कहा जाता है जम्बू देवदार को कहा जाता है देवदारू अब ये वो दारू नहीं है ये ये वृक्ष का ही नाम है देवदार का ये नारियल यानी नारी केल नारी केला नीम का जो नीम का वृक्ष उसे संस्कृत में कहा जाता है निम्ब। पीपल तो जो पीपल का वृक्ष होता है पीपल के वृक्ष को कहा जाता है अश्वतथम अश्व तथा नेक्स्ट बढ़ तो बड़ वट वृक्ष को कहा जाता है वट या न्या ध, वे तो वेंत या इसे बेंत भी कहते हैं तो बेतस के जो वृक्ष होता है उसे बेंतस कहा जाता है बेतस साल का वृक्ष उसे कहा जाता है साल नेक्स्ट है जड़ तो जड़ को कहा जाता है मूलम और पत्ता होता है उसे पर्णम कहा जाता है जो डंटल होता है डंटल से uh, ब्रंतम कहते हैं ब्रंतम सो एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो प्लीज शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स